नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे भी साथ में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे भी साथ में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे फडणवीस से की मुलाकात, और ये मुलाकात भी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तो मुलाकातों का सिलसिला जारी है एक तरफ, और दूसरी तरफ पूरी तरीके से अब राजनीति पूरी तरीके से अपने चरम पर महाराष्ट्र में नजर आ रही है। तो देवेंद्र फडणवीस से मिले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, और ये मुलाकात अपने आप में कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। और इस बीच उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक फिलहाल जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में 8 मंत्री नहीं हुए शामिल, तो बड़ी खबर। कैबिनेट बैठक हो रही थी, फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इस कैबिनेट बैठक में 8 मंत्री जो थे वो शामिल नहीं हुए। सभी एमएलए को शाम 5 बजे वर्षा बंगले पर बुलाया गया था, और पीसी के जरिए बैठक में शामिल हुए उद्धव ठाकरे। तो शिवसेना ने बैठकों के लिए व्हिप भी जारी किया है। अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवैस, जिस तरीके से अब मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, एक तरफ कैबिनेट बैठक हो रही थी, फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस वक्त पूरा ओवरऑल अपडेट है जानना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, बहुत ही चौंकाने वाली बात ये सामने आई कैबिनेट में कि जो शिवसेना के ही 6 कैबिनेट के नेता थे वही बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा जो 2 अन्य नेता हैं वो शिवसेना के सहयोगी दलों के नेता हैं। कुल 8 शिवसेना के माना जाए, घटक दल अगर शिवसेना के मिला दिए जाएँ और शिवसेना के नेता मिला जाए तो 8 शिवसेना के जो कैबिनेट मंत्री थे वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उद्धव ठाकरे जो हैं वो वर्चुअली शामिल हुए थे, आदित्य ठाकरे जो हैं वो वर्चुअली शामिल हुए थे। साफ तौर पर कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन कैबिनेट की बैठक में जो नेता शिवसेना के ही थे वही शामिल नहीं हुए। लेकिन इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए। एक फैसला ये लिया, किसान आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे उन तमाम मुकदमों को वापस लिया जाएगा। दूसरा अहम फैसला जो है कैबिनेट ने ये लिया है कि जो किसान लगातार अपने कर्ज को लेकर किश्त चुकाते हैं उनको सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का अनुदान जो है वो दिया जाएगा। तो 2 महत्वपूर्ण फैसले, किसानों से जुड़े हुए फैसले। हालांकि अगर बात की जाए तो शिवसेना की तरफ से लगातार इस तरह के संकेत आ रहे हैं, चाहे वो संजय रावत के बयान हो या उनके ट्वीट हो, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सरकार ही गिर सकती है, सरकार आज गिरेगी तो परसों वापस भी आ सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी भूमिका में तैयार हैं, अपने आप को पावरफुल ये दिखा रहे हैं कि असली शिवसेना जो है वो उनकी है और उनके पास ही असली शिवसेना है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की तरफ से व्हिप जारी किया गया और ये कहा गया कि सभी विधायक जो हैं शाम में 5 बजे पहुंचे, विधायक दल की बैठक होगी और सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया, और ये कहा गया कि अगर कोई विधायक मौजूद नहीं होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस व्हिप को एकनाथ शिंदे ने खारिज कर दिया और उन्होंने एक नया व्हिप, चीफ व्हिप जो है वो नियुक्त किया, और कहा कि शिवसेना के द्वारा जो व्हिप जारी किया गया है वो सरासर अवैधानिक है, असंवैधानिक है और गलत है, उस व्हिप को वो नहीं मानते। साफ तौर पे जिस तरह से शिवसेना की तरफ से आज एक व्हिप जारी किया गया उसको भी खारिज कर दिया है एकनाथ शिंदे ने, और अपना इशारा दे दिया है कि वही असली शिवसेना है जैसा कि वो बीते कुछ घंटों से दावा करते। और जो हमारे सूत्र हैं महाराष्ट्र के वो यही बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं देर रात तक, उद्धव ठाकरे अगर आज इस्तीफा देते हैं तो भी, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो भी, एकनाथ शिंदे देर रात तक राज्यपाल से संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे पास 40 से 46 विधायक जो हैं वो मौजूद हैं और दूसरे विधायकों का हमें समर्थन हासिल है, ऐसे में हम ही असली शिवसेना हैं और अपना संख्या बल दिखाते हुए वो सरकार बनने की पेशकश जो है वो कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 40 से ही सरकार नहीं बनेगी, ऐसे में बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर शिवसेना या उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो वो वापस आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मांग जो है एकनाथ शिंदे की, शिवसेना अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे जो हैं सुबह में ही खारिज कर चुके हैं, और जिस तरह के बयान आज जारी हुए हैं या आ रहे हैं वो यही दिखाते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है बहुत जल्द अपना इस्तीफा दे देंगे। और हमारे सूत्र जो हैं वो यही बता रहे हैं कि विधायक दल की बैठक सिर्फ तो इसीलिए बुलाई गई थी कि वो अपनी परिस्थितियों को विधायकों के सामने रखते, उसके बाद फिर अपना इस्तीफा जो है वो देते थे। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी, आज कांग्रेस के प्रमुख नेता और ऑब्जर्वर जो महाराष्ट्र बनाकर भेजे गए हैं कमलनाथ, उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की कोशिश की गई तो उनको ये बताया गया कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन लगभग 25 से 30 मिनट के आसपास जो है वो कमलनाथ की बातचीत हुई और उन्होंने भरोसा दिया है कि अभी भी महाआघाड़ी जो है वो एक है और एक साथ रहेगा, आने वाले दिनों भी पूरा समर्थन जो है वो शिवसेना को देते रहेंगे। इसी तरह की बातचीत जो है एनसीपी के नेताओं से भी, उद्धव ठाकरे की भी, और उन्होंने भी इसी तरह का आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में महाआघाड़ी जो है वो रहेगा, एनसीपी जो है वो एकजुट है, एनसीपी के 40 विधायक जो हैं वो एकजुट हैं, कोई कहीं नहीं गया है। हालांकि ये बात आई थी कि कांग्रेस में जो है कहीं ना कहीं टूट देखने को मिली, कि कांग्रेस की जब कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी तो 44 में से 40 41 विधायक जो हैं वो पहुंचे थे, तो कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि नहीं,
जो तीन विधायक नहीं आए थे वो किसी वजह से रास्ते में थे, ट्रैफिक जाम में थे, इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन उनसे हम संपर्क में हैं। कांग्रेस के जितने विधायक हैं हम एकजुट हैं, साफ तौर पर कांग्रेस और एनसीपी अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं शिवसेना जो है जिसके 54 विधायक थे उसके 46 विधायक जो हैं अब शिवसेना के ही साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे से अपना रابطہ जो है ख़त्म कर चुके हैं और इस वक्त गुवाहाटी में रेजिडेंट होटल ब्लू रेजिडेंट होटल जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे मौजूद है और वहीं से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। सुबह में अगर बात की जाए तो शिवसेना की तरफ से बयान भी जारी किया गया था और ये कहा गया था कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए, नजर रखिएगा। लाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, कानपुर से।